दामोदरमल जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. मुझे 5 मिनट मिले हैं और हम तो दूध वाले हैं, 5 मिनट में दूध डिलीवर कर देंगे. वेल, यू ऑल आर द स्टॉलवर्ट्स इन द फूड वैल्यू चेन. देखिए, 42 साल फूड इंडस्ट्री में काम करके और मेनली दूध बेच के अभी जिस लेवल पे मैं हूँ, जिस पड़ाव पे मैं हूँ, आई कैन ओनली सेल यू ड्रीम्स. पर आपको उनको रियलिटी में लेना पड़ेगा. आई कैन सेल यू द ड्रीम ऑफ द फूड इंडस्ट्री विच इज़ टूडे इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग. 60 लाख करोड़ की मार्केट है फूड, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें सिर्फ 12% ही ऑर्गेनाइज है, तकरीबन 7 लाख करोड़ के लिए. एंड फॉर्चुनेटली फॉर डेयरी, जो भी काम किया वैल्यू चेन पे, जो 7 लाख करोड़ की है उसमें से 50% तो डेयरी ऑर्गेनाइज है. तो बाकी जो बचा है 3-3.5 लाख करोड़, उसमें बाकी सब फूड आ जाता है. बट उसमें भी एक ड्रीम है कि व्हाट द ग्रोथ विच इज कमिंग इन द होल फूड सप्लाई चेन और इन ऑर्गेनाइज्ड is coming now more in non-dairy. Reason, not value-wise, percentage-wise, अगर आप estimate करें, what I estimate is by 2030, ये जो 7 लाख करोड़ की market है, ये तकरीबन 25 लाख करोड़ की organized food branded market होने वाली है, 25 लाख करोड़ की. And out of that, dairy will be 10 lakh, बिकॉज ऑलरेडी ऑर्गेनिक, बाकी सब मिला के 15 लाख करोड़. तो आप सब डिसाइड कीजिए कि आपको उसमें कितना आना चाहिए. आपकी जितनी क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट. बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग वर्किंग इन द फूड इंडस्ट्री मेनली, आपको मैं बता दूँ, आप बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अपनी कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन कर रहे हैं, पर एक आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, पता क्या है? इन फूड सप्लाई चेन हु आर द टू मेन स्टेक होल्डर्स? किसान जो फूड, और कंज्यूमर 140 करोड़, जिनके लिए आप, किसान के लिए आप लाइवलीहुड है और कंज्यूमर के लिए आप फूड, न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी और लाइफ है. अब जब इन दो लोगों की धंधा कर रहे हैं, साथ में आप सेवा करते हैं, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं. तो यू शुड बी whenever making any decision in your food supply chain, wherever you, please keep in mind that you are working for a cause. Just briefly mujhe bata dijiye ga jab 5 minute ho, trends ke bare mein bataun, you can decide the trends. I can just give you data. Agar aap pichle 50 saal mein bharat mein food production aur consumption, jitna production utna consumption hota hai, because food except paddy wheat we negligible export karte hain. सीरियल्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन पिछले 50 साल में 2.8 टाइम्स और 3 टाइम बढ़ा हुआ है. सो गुड ग्रोथ. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 5.5 टाइम, मोर देन दैट, डबल देन द सीरियल्स, 5.5 टाइम्स. हमारी डेयरी इंडस्ट्री 10 टाइम्स, सो 4 टाइम्स मोर देन द सीरियल. अदर इंडस्ट्री, आई डोंट नो हाउ मच यू आर अवेयर, एनिमल सोर्स, पोल्ट्री 23 टाइम्स पिछले 50 साल में, फास्टेस्ट ग्रोइंग. एंड फिश अबाउट 12 टाइम्स. अब पिछले 50 साल में पॉपुलेशन है ग्रोन बाय 2.5 टाइम्स एंड टोटल फूड प्रोडक्शन इज 4 टाइम्स. सो व्हाट डज इट सेज? द बिगेस्ट ट्रेंड विच इट सेज इज कंज्यूमर इज अपग्रेडिंग देयर फूड फ्रॉम मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट टू मोर प्रोटीन एंड फैट, एंड दैट टू मेनली animal source. Animal source does not mean only non-vegetarian, but protein, eggs are there, or the dairy is there, and other thing is there. And our future, log puchte hain ki food ka kya market hai, aapko kuch sochne ki zarurat hi nahi hai. 140 crore pet jo aaj hain wo 165 crore hone wale hain 25 years. So with more money in the pocket to spend, more on the organized, अगर टोटल फूड कंजम्पशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 6%, द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज ग्रोइंग एट द रेट 12-13% वॉल्यूम. सेक्टर वाइज इट विल डिफरेंट.
एक चीज मैं आपको बता दूं, व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रेंड्स, द वन ट्रेंड विच विल नेवर चेंज इन द पास्ट ऑल्सो इन द फ्यूचर इन फूड इज, वट एवर फूड यू आर मेकिंग और सेलिंग, यू हैव टू सी इट हैज टू मीट थ्री पैरामीटर्स. पहला क्या है? इट हैज टू बी टेस्टी. अगर टेस्ट नहीं है तो इट इज अ फैड. आज बिकेगा, अब डाल देंगे दुनिया भर की, उसके मतलब ये लो कैलोरी हाई कैलोरी कीटो वीटो दुनिया भर की डाइट्स आती हैं, आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो, वो इट इज अ फैट. आप देख लीजिए 30 साल 40 साल पहले आप क्या खाते थे, अभी क्या कंटिन्यू रहा है? टेस्ट. अदर इज न्यूट्रिशन, जो मैंने बोला बिकॉज ऑफ द. एंड थर्ड विच इज वेरी वेरी रिलेवेंट इन इंडिया, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू मेक ए स्केल एंड विच इज गोइंग टू ब्रिंग एफिशियंसी इन योर होल वैली चेन, इज द अफोर्डेबिलिटी. जब तक आप ये तीन नहीं मीट करेंगे तो यू कैनॉट बिकम एजलेस ब्रांड. बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी इंडिया में पीपल कंज्यूमर ट्रस्ट इन पैक्ड ब्रांडेड, बट ट्रस्टवर्थी ब्रांड, नोन ब्रांड, अवेलेबल ब्रांड, अफोर्डेबल ब्रांड, एंड दी स्पेशली लोकल रीजनल ब्रांड्स का कंज्यूमर का फूड में टेस्ट काफ़ी बढ़ गया है. ट्रस्ट, अभी बिगेस्ट चैलेंज द नेशनल ब्रांड्स आर मल्टीनेशनल फेसिंग, हाउ टू प्रोजेक्ट की यू आर नॉट ए नेशनल और यू आर ए मल्टी, यू आर ए लोकल ब्रांड. हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ये करते थे कि जो पंजाब में दूध बेचते थे कि पंजाब का दूध है, ये यूपी का दूध है. सो देर आर नंबर ऑफ दीज आर द थिंग आई कैन ओनली टेल यू इज इंडिया की जो फूड वैल्यू चेन वाई इट इज ग्रोइंग इज द बिकॉज ऑफ वैल्यू चेन एफिशियंस इन द होल वर्ल्ड. India's value chain of food is most efficient. I've heard from many CEOs of the world. Because जिस भाव पर हम consumer farmer से दूध लेते हैं या food लेते हैं, जिस price पर हम बेचते हैं, क्योंकि हमारे margins and logistic costs are minimum in the world. So if you want to grow any business, you have to see how you can continue to be more value chain efficiency, so that you can deliver more to the farmer or more to the consumer. So with these ones, I'd like to end. Thank you very much.